आधे मटर की लेकर हमने उनको बॉईल कर लिया। पाइनएप्पल एक कप। अब हम इसको मिक्स करेंगे। सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हम अपने चैनल सॉल्ट एंड चिलीज में। आज एक और नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे रशियन सैलड। रशियन सैलड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तीन अदद हमने एप्पल ले लिए, उनको हमने क्यूब्स में काट लिए छोटे छोटे। आलू और मटर हमने बराबर की मिकदार में, आधी कप हमने आलू और आधी मटर की लेकर हमने उनको बॉईल कर लिए। बंद गोभी एक कप बारीक कटी हुई। मायोनीज आधी कप। शुगर हमने इसको पीस लिए। मिक्स फ्रूट पाइनएप्पल एक कप। क्रीम एक कप। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम डालेंगे क्रीम। सबसे पहले और उसके अंदर हम डालेंगे मायोनीज। आधी कप हमने मायोनीज की ले ली थी और उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर के, जो हमने इसको पीस लिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे एप्पल। और इसके अंदर हम डाल देंगे पाइनएप्पल। एक कप लिया था जो हमने मिक्स फ्रूट का। एक एक करके हम इसके अंदर सारी चीजें जो है वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर आलू और जो हमने मटर लिए थे बॉईल किए हुए। और इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे बंद गोभी। और इसमें हम थोड़ा सा जो है वो नमक डाल लेंगे चुटकी, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मेयोनीज जो होती है वो थोड़ी नमकीन होती है, इसलिए हम नमक नहीं डालते, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लूंगी। थोड़ा सा नमक डाल दिया। जी हमारी जो मजेदार रशियन सैलड है झट से तैयार होने वाली वो तैयार है। अब हम इसको डिश में डालेंगे।
जी हमारी आज की रेसिपी जो है वो तैयार है, जड़ से तैयार होने वाली, और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।